हाजी भाई, जी आप एक यंग लीडर हैं और मालेगांव शहर की अगर बात की जाए तो अक्सर बरसात के मौसम में रोडों पर पानी जमा होना, लोगों के घरों में तक पानी घुसता है, तो इस पर कब बात होगी? हम सियासत करते हैं, पूरा 12 महीना मालेगांव शहर में सियासत होती है, लेकिन ये सब मामला पर कब बातें होती हैं? जी, ऐसा है कि ये हमारे शहर का ये सब में सुलगता हुआ मसला है कि जब भी बारिश आती है और वो बारिश के पानी की वजह से कच्चे इलाकों में पानी भर जाता है और कई दफ़े हमने इंतज़ामिया को इसकी निशानदेही की है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से अक्सर इस बात का जवाब आता है कि जो भी बरसरे इक्तदार जो अपना बजट यानी देती है वही चीज़ पर यानी वही बजट उसी पर अमल बजौनी होती है और हमको खातिर ख्वाह बजट नहीं मिलने की वजह से हम वो जो पानी घरों में घुसता है या जो नालों का पानी रोड़ों पे आ जाता है उसके ऊपर हमारी तरफ से हम वो कोई कार्रवाई कर नहीं कर सक नहीं कर पाते, यानी वो कुल मिला के ये बोलते हैं कि वो बजट का रोना रोते। जी पूरे शहर के हालात ऐसे हैं, तुम्हारी चलो बात अपनी समझ लेते कि बजट का है, पूरे आज शहर इसकी सब में बड़ी जिम्मेदारी जो होती है ना जी कि बरसरे इख्तदार के ऊपर जो लोग मौजूद है वो लोगों की इसकी जिम्मेदारी होती है और वो शहर भर में जो भी ये यानी उनको प्लानिंग करना होती है क्योंकि बजट वो खुद बनाते हैं और उनकी नज़र के सामने शहर रहता है। जैसे एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, हमने आज से 4 साल पहले तकरीबन जब शेख रशीद साहब मेयर थे तो हमने एक गुरुवार वार्ड के मेंबरों के उस पर एक डेपुटेशन उनके पास लेकर गए थे और बारिश के दिन लगने से पहले उनसे हमने कहा था कि ये पूरे शहर का पानी हमारे गुरुवार वार्ड में आता है और इसकी वजह से पूरा पानी ओवरलोड होने की वजह से पूरे आज़ाद नगर, गांधी नगर, अमनपुरा, अयूब नगर अतराफ़ के जितने भी इलाके इसमें पानी भर जाता है। उन्होंने उस वक्त ये इस बात की यकीन दहानी करवाए थे कि मैं इसके ऊपर कोई ना कोई हल निकालूंगा और हमने उनको एक सलूशन भी उनको बताया था कि ये जो पानी है इसका नेचुरल जो स्लोप है, नेचुरल जो इसका बहाव है, ये कुदरती तौर पे ये पानी जूना आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन से होते हुए पूरा खानकाह अशरफिया के पास और वहाँ से बोरा कब्रस्तान के बड़े नाले के अंदर इसको ये पानी को निकालना चाहिए। ये पानी इतना राउंड होता है यानी आज़ाद नगर, आज़ाद अदीब रोड, अदीब रोड से तवक्कल मस्जिद, तवक्कल मस्जिद से गांधी नगर, इतना राउंड होता है और ये पानी इतने राउंड होने की वजह से ये नाला छोटे से छोटा होते हुए गटर की शक्ल इख्तियार कर लिया। इसकी वजह से ये पानी पूरा कभी आज़ाद नगर में पानी नहीं भरा जाता था, अब आज़ाद नगर के घरों तक के पानी आ गए। कल आपके वार्ड में मालेगांव शहर के नए कमिश्नर गोसावी साहब ने विजिट किया, आप भी उनके साथ थे, तो आपने क्या क्या मामला उनके सामने रखे और कि क्या क्या मामला उनको बताया? जी, मैं उनको प्रभाग 4 जो आपने इससे पहले विषय लिया था कि प्रभाग 4 के यही ये इलाके हैं जिसके अंदर बारिश की वजह से पूरा पानी आ जाता है और कल इत्तेफाक से परसों रात में बारिश होने की वजह से पूरे आज़ाद नगर, गांधी नगर, मदनी अयूब नगर, अमनपुरा इन इलाकों में पानी भर चुका था। तो यही खास कमिश्नर साहब से विज़िट कराने के लिए उनको हमने लाया था और उनको ये बताया था कि साहब यहाँ पर ये अब ये नाला बनना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जो लोग आज शहर में कॉरपोरेशन में इख्तदार रहे इनका सब में ज़्यादा पीरियड यही खानवादे का इख्तदार पे रहा है, लेकिन और ये हमेशा अपने आप को बोलते हैं कि हम गुरुवार वार्ड के लीडर रहे और ये गुरुवार वार्ड का इतना बड़ा मसला है कि इसकी वजह से काफ़ी इलाके मुतासिर होते हैं। पानी जब आता है तो रात रात भर लोग सो नहीं सकते, पूरा पूरा घर उनका डिस्टर्ब हो जाता पानी भरने की वजह से। आपको एक मैं वीडियो बताऊंगा कि अयूब नगर इलाके में घुटने तक के घरों में पानी आ जाता है, ये उनके अपने इलाके हैं और ये वहाँ जब पानी भर जाता है ये वहाँ ध्यान नहीं देती और आज ऐसी जगह नाले बन रहे जहाँ पर आज पिछले बजट में ऐसे ऐसे हेड नालों के पकड़े गए जहाँ आज बस्तियाँ नहीं है, अभी लेआउट हो रहे, अब वो लेआउट किसके है क्या है और वहाँ अभी नाले बन रहे जहाँ असल ज़रूरत है अभी तक के नाले ही नहीं बन रहे। पीछे अंडरग्राउंड गटर का भी विषय पास हुआ जी, अभी वो कोई मरकजी और रियासती हुकूमत की लड़ाई में वो मामला रुक गया है शायद मेरी मालूमात में। माजी भाई, लेकिन अब गुरुवार वार्ड की अगर बात की जाए तो लोगों ने आपको मतलब एक भरोसा दिलाकर आपको भी तो कॉर्पोरेशन भेजा है, आपके भी घर के जिम्मेदार है। मुझे शायद ये लगता कि हमारे होने का ही वहाँ गुरुवार वार्ड की आवाम से बदला लिया जा रहा है।
आज जो लोग गुरुवार वार्ड का इतना दम भर रहे, ये गुरुवार वार्ड का बुनियादी मसला है। उसके बाद भी वहां पर आग बंद किए हुए है।